Hello viewers, welcome again. Topic of this video is how to get good hike while switching job. So क्या आप सोच रहे हैं कि आप जॉब स्विच करें या आप ट्राई कर रहे हैं, ऑलरेडी आप सर्च कर रहे हैं कंपनीज या इंटरव्यूज दे रहे हैं. सो इन दिस वीडियो आई विल टेल यू हाउ टू गेट गुड हाइक, हाइक कैसे, अच्छी हाइक कैसे लें या कितनी हाइक डिमांड करनी चाहिए. सो जनरली हमें पता नहीं होता है कि कितना हाइक होना चाहिए. सो मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितना हम डिमांड कर सकते हैं और कितना हमें मिलता भी है. सो अगर आपको जानना है कि कितना हाइक मिल सकता है, सो इस वीडियो को पूरा देखें, एंड तक देखें, ताकि आपको चीज़ें पूरी तरह समझ में आ जाए. सो मैं आपको फाइव पॉइंट्स बताऊंगा जो अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको डेफिनेटली अच्छी हाइक मिलेगी. ओके, सो फर्स्ट पॉइंट इज गो फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज इंस्टेड ऑफ सर्विस बेस्ड. सो आईटी में बेसिकली दो टाइप की कंपनियाँ होती हैं, सर्विस बेस्ड और प्रोडक्ट बेस्ड. तो सर्विस बेस्ड कंपनीज कौन सी है, फॉर एग्जांपल TCS, इन्फोसिस, L&T. सो ये सर्विस बेस्ड कंपनीज हैं. सो दिस कंपनीज गिव सर्विसेज टू अदर कंपनीज. सो मोस्टली दे हैव सम टूल्स और सम प्रोजेक्ट्स गोइंग ऑन एंड दे आर वर्किंग फॉर सम अदर कंपनी. सो सर्विस बेस्ड में क्या होता है कि पर एम्प्लॉय बेसिस अर्निंग होता है. सो पर एम्प्लॉय बेसिस कंपनियाँ अर्न करती हैं. ओके, नाउ अबाउट प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज दे हैव देयर ओन प्रोडक्ट विच दे आर सेलिंग टू अदर पीपल, ओके, और अदर कंपनीज. सो एक प्रोडक्ट होता है, वो अच्छा प्रोडक्ट होता है, उसको बनाते हैं और वो बेसिकली या तो खुद के लिए यूज़ करते हैं या तो दूसरों को देते हैं. सो जैसे कि रिलायंस कंपनी है, तो वो अपने लिए ही प्रोडक्ट्स मोस्टली बनाती है अपने बिजनेस को चलाने के लिए. रिलायंस के बहुत सारे बिजनेस हैं, उनको चलाने के लिए वो बनाती हैं अलग अलग सॉफ्टवेयर्स. सो वो वी कैन से इट इज़ अ प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी. एंड देर आर कंपनीज विच मेक प्रोडक्ट्स एंड सेल टू पीपल, लाइक फॉर एग्जाम्पल SAP. सो SAP मेक्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स एंड सेल टू देम, मीन्स टू अदर कंपनीज. ओके, सो इफ़ यू गो टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज दे विल पे यू मोर दैन सर्विस बेस्ड कंपनीज. सो ऑलवेज ट्राई टू गेट इन टू द प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज जैसे कि मैंने बताया कि अपना प्रोडक्ट सेल करती हैं, सो देयर अर्निंग इज़ वेरी हाई. ओके, एक प्रोडक्ट को 5 या 6 लोग भी मैनेज करते हैं एंड दे आर अर्निंग इन करोर्स. ओके, सो दे आर हैप्पी टू गिव मोर सैलरी टू डिजर्विंग कैंडिडेट्स. ओके, सो दे डोंट हैव एनी बैरियर दैट नो वी कांट गिव मोर देन दिस. ओके, सो मोस्टली दे आर रियली पेइंग गुड, बेटर दैन सर्विस बेस्ड कंपनी. सो ट्राई टू गो टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज हाउ मच हाइक आई शुड आस्क. ओके, सो वेन यू गो फॉर द इंटरव्यू इन IT, HR जनरली टेल्स दैट वी गिव 20-30%. सो 20-30% इज अ स्टैंडर्ड, दे से दैट. बट हमको उनकी बातों में नहीं आना चाहिए. There is nothing like standard 20-30%. You can get any percent of hike. Like you can get 50%, 60%, even 70%. Okay, I have seen people getting 100% hike as well. Okay, so it does not. It is not a standard thing. It is up to you how much you can get from the company, or when you negotiate how much you can get. Okay. सो बट मुझे जनरली कितना मांगना चाहिए, दैट इज़ अ क्वेश्चन, राइट? सो यू शुड आस्क फॉर एटलीस्ट 50-60%. ओके, एंड सेटल फॉर 40% और 50%. ओके, सो दैट इज़ अ जनरल हाइक यू शुड आस्क फॉर. ओके, नाउ इसमें भी बहुत सारे पैरामीटर्स हो सकते हैं, जैसे कि आपका अभी करंट सैलरी कितना. अगर आपका ऑलरेडी करंट सैलरी बहुत कम है, ओके, तो आप और भी ज़्यादा मांग सकते हैं, 80% भी मांग सकते हैं. यू कैन से दैट माई सैलरी इज़ ऑलरेडी वेरी लो, सो आई वॉन्ट दिस मच. ओके, प्रोवाइडेड यू आर ए गुड कैंडिडेट, डिजर्विंग कैंडिडेट, यू हैव गुड नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट और द टूल और द टेक्नोलॉजी.
ओके, अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन किया है, आपने अच्छा काम किया हुआ है, अच्छे एम्प्लॉई हैं आप, तो आपको डेफिनेटली इतना डिजर्व करना चाहिए, आपको पूछना चाहिए कि मुझे इतना चाहिए. ओके, सो आस्क फॉर 50 to 60% एंड यू कैन लाइक डेफिनेटली गेट दैट मच इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज. समटाइम्स इन सर्विस बेस्ड ऑल्सो यू गेट गेट दैट, बट मोस्टली इट विल बी डिफिकल्ट टू गेट दैट मच इन सर्विस बेस्ड कंपनीज. सो गो फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज एंड आस्क फॉर 50 to 60% एंड यू कैन सेटल फॉर अराउंड 40%. नेक्स्ट पॉइंट, जब भी आप सैलरी डिसाइड कर रहे हैं विद द इंटरव्यूअर और विद द एचआर, टेल देम दैट आपका जो हाइक है इट शुड बी मोस्टली इन फिक्स सैलरी. ओके, नाउ सैलरी में मेजरली दो पार्ट होते हैं, फिक्स सैलरी एंड वेरिएबल पे. सो वेरिएबल पे जो होता है वो साल में एक बार या 6 मंथ में एक बार, डिपेंड ऑन कंपनी टू कंपनी पॉलिसीज, साल में एक बार या 6 महीने में एक बार मिलता है. सो दैट ऑल्सो डिपेंड ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस एंड योर परफॉर्मेंस. सो अगर वेरिएबल पे है कुछ अमाउंट, 12% या 15% या 20% भी कहीं कहीं होता है, वो वेरिएबल पे होता है. सो वो पूरा अमाउंट वो लोग होल्ड करते हैं साल भर, और फिर एंड ऑफ द ईयर बेस्ड ऑन द कंपनी परफॉर्मेंस वो देते हैं. सो ऐसा होता है बहुत बार कि आपको वो पूरा नहीं मिलता है, सो 90% ही मिलता है या फिर 80% ही मिलता है. ओके, सो ट्राई टू गेट एज मच एज इन फिक्स सैलरी इंस्टेड ऑफ वेरिएबल पे. ओके, फोर्थ पॉइंट. द फोर्थ पॉइंट इज, अगर आपको कोई ऑफर ऑलरेडी मिल चुकी है, यू आर सर्चिंग फॉर जॉब एंड यू गॉट वन ऑफर, डोंट सेटल विद दैट ऑफर. ट्राई टू गेट मोर ऑफर्स. ओके, सो जनरली जो नोटिस पीरियड होता है वो 3 मंथ्स का होता है IIT में. सो अगर आपको एक ऑफर मिल चुका है, सो ट्राई टू गेट इन टू इंटरव्यू ऑफ मोर कंपनीज एंड देन यू कैन से कि ओके आई हैव ऑफर ऑफ दिस मच एंड आई वॉन्ट दिस. सो आप अपना अगेन नेगोशिएट करके आप नेक्स्ट कंपनी में आप सैलरी बढ़ा सकते हैं. ओके, सो डू नॉट सेटल फॉर वन कंपनी, ट्राई मल्टीपल कंपनीज एंड देन चूज विच इज़ द बेस्ट वन और विच कंपनी इज गिविंग यू द बेटर हाइक. ओके, देर आर मल्टीपल पैरामीटर, अदर पैरामीटर्स एज वेल टू चूज द कंपनी, बट इफ यू आर लुकिंग फॉर सैलरी हाइक यू कैन नेगोशिएट लाइक दिस, गेट द ऑफर ऑफ मल्टीपल कंपनीज एंड देन नेगोशिएट. ओके, लास्ट एंड फिफ्थ पॉइंट, नो योर वैल्यू. ओके, सो आपको अपनी वैल्यू पता होनी चाहिए. आप अगर आप डेवलपर हैं या टेस्टर हैं या सपोर्ट में काम कर रहे हैं, यू शुड नो हाउ मच सैलरी यू शुड गेट. ओके, सो इफ़ यू आर ए गुड एम्प्लॉई, आप अच्छे से काम करके देते हैं, आपका 100% से ज़्यादा देते हैं, यू आर लर्निंग, यू आर अप्लाइंग न्यू थॉट्स इन द प्रोजेक्ट और इन द प्रोडक्ट एंड यू आर गिविंग मोर देन 125% और 100%, देन डेफिनेटली यू डिज़र्व अबव एवरेज सैलरी. सो मैंने एक दूसरा वीडियो बनाया है जिसमें मैंने बताया है कि आपको कितना अर्न करना चाहिए अगर आप अबव एवरेज सैलरी चाहते हैं, या अच्छा, या आप अच्छे एम्प्लॉयज हैं, आप अच्छा काम कर रहे हैं. सो आप वो वीडियो देख सकते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि आपको कितना आपकी सैलरी कितनी होनी चाहिए बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस. सो ऑलवेज़ नो योर वैल्यू. यू कैन चेक विद अदर पीपल वर्किंग इन योर डोमेन, इन अदर कंपनीज, वाई योर फ्रेंड सर्कल, हाउ मच दे आर अर्निंग, एंड देन यू कैन थिंक वेयर यू आर एंड अकॉर्डिंगली यू कैन डिसाइड कि मुझे कितना डिमांड करना चाहिए, मेरा मार्केट में मेरा वैल्यू कितना है. सो दिस वेर द 5 पॉइंट्स विच यू नीड टू कीप इन माइंड वाइल स्विचिंग सो दैट यू गेट गुड हाइक. ओके, सो डू लेट मी नो इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब यू हैव इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब माई चैनल. आई विल पुट मोर सच वीडियोज विच विल हेल्प यू इन वेरियस एरियाज. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Do comment if you want a video on particular topic. I'll definitely try to do that. Thank
Thank you. Thank you so much.